पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को सपा बसपा और लालोद गठबंधन में मिलावट नजर आ रही है, तो 38 दलों से गठबंधन करने वाली भाजपा में महामिलावट है। प्रधानमंत्री जनता को नोटबंदी और जीएसटी के फायदे बताने की बजाय बुआ बबुआ और टोंटी पर अटक गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के पहले चरण में वोटों की बारिश चौकीदार के खिलाफ जनता का आक्रोश का नतीजा है। जनता वोट बंद कर चौकीदार की चौकी छीनने को बेताब है। अखिलेश यादव गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर एस टी हसन के समर्थन में जीआईसी मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सपा बसपा और रालोद का गठबंधन देश बचाने और महापरिवर्तन लाने के लिए हुआ है। भाजपा द्वारा समाज में फैलाई नफरत की दीवार तोड़ने और दिलों के बीच की खाई पाटने के लिए हुआ है। गठबंधन को उत्तर प्रदेश की जनता का पूरा समर्थन मिला है। हालिया उपचुनाव उसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी की मार से जनता आज तक नहीं उबर पाई है। प्रधानमंत्री मोदी 5 साल में चाय वाले से चौकीदार बन गए, इसके बाद भी नौकरियां और रोजगार चोरी हो गई। किसानों की खाद और यूरिया की बोरियों से 5-5 किलो में सेंग लग गई है। अखिलेश ने कहा कि गठबंधन से प्रधानमंत्री बौखला गए हैं, उनकी भाषा बदल गई है, प्रधानमंत्री उनका नाम तक भूल गए हैं। मुरादाबाद में उन्हें बबुआ बोलकर गए हैं। प्रधानमंत्री को नहीं पता है कि बबुआ घर में सबसे प्यारे बच्चे को कहा जाता है। प्रदेश की जनता उन्हें बबुआ मान चुकी है। वोट बंदी कर चौकीदार से चौकी छीनने को तैयार बैठी है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आड़े हाथों लिया, कहा कि यूपी में समाजवादियों के विकास कार्यों की तुलना योगी सरकार से नहीं की जा सकती है। कहा कि योगी ऐसे मुख्यमंत्री बने जो भगवानों की जात भी बताने लगे हैं। हनुमान जी गुस्से में गदा लेकर खड़े हैं। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के जयपर्दा के खिलाफ दिए विवादित बयान पर अखिलेश यादव ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी महिलाओं का सम्मान करते हैं। आजम खां के बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है। ये गठबंधन है, ये महामिलावटी गठबंधन नहीं है। ये जो लोग समझ रहे हैं कि महामिलावट है, ये बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा है। क्या मुरादाबाद के लोगों ने नहीं सुना उनकी भाषा बदल गई? भाषा बदली कि नहीं बदली? उन्हें याद ही नहीं रहा कि हमारा नाम क्या है। बोले डॉक्टर साहब क्या बोल के गए? बबुआ बोल के गए, मैंने सुना यहाँ पर। वैसे हमें नहीं पता यहाँ पे अपने सबसे प्यारे बच्चे बेटे को लोग क्या कहते होंगे गाँव में, लेकिन हमारे यहाँ तो यही कहते हैं जो सबसे प्यारा बच्चा घर का होता है उसका नाम। ये चुनाव कोई नाम का है क्या? बबुआ नाम सुनकर चुनाव है क्या? नहीं। और याद रखना, ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन सबक सिखाएगा, और जो भी हमें नाम रखना होगा हम 23 मई के बाद नाम रखेंगे। ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि हमारी भाषा बदल जाए, ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि हमारी भाषा बदल जाए। फिर जो हमारे साथी यहाँ बोल रहे हैं और आवाज यहाँ से भी सुनाई देती है कभी कभी, ये बताओ 5 साल में, इन 5 साल में आपकी नौकरी चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पेंशन चोरी हो गई? रोजगार चोरी हो गए कि नहीं हो गए? हमारे किसान भाई या नहीं है किसान भाई? अगर कोई किसान भाई है अगर यहाँ पर है किसान भाई कि नहीं, तो बताओ आपके खाद और यूरिया की बोरी में 5 किलो की चोरी हुई है कि नहीं?
ईमानदार जान रहे हो जो बोल रहे हो, तो बताओ चौकी छीनने का काम करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए ये चौकी छीनने का भी चुनाव है, दूसरी बात आपको कहनी नहीं पड़ेगी। ये तो एक चौकीदार वाली बात हो गई। यहाँ के सांसद भी होंगे चौकीदार, यहाँ के सांसद भी तो चौकीदार होंगे कि नहीं होंगे? और जब सब चौकीदार हैं और सब कुछ हो रहा है तो फिर हमें करना क्या पड़ेगा ये बताओ पहले। हमने और आपको कहा कि अच्छे दिन आए, इन्होंने अच्छे दिन नहीं आए, आए क्या? मोदी जी जाने वाले चाय वाला बनकर के, और चाय बिना दूध की अच्छी नहीं बन सकती, बन सकती है क्या? ऐसा तो नहीं ब्लैक टी पीने वाले यहाँ जाना हो, कोई है ब्लैक टी वाला? ये सब दूध वाली चाय पीने वाले हैं। और बताओ दूध के बारे में हमसे ज्यादा अच्छा कौन जानता हो? और आपके शहर को तो स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, आपका शहर भी स्मार्ट सिटी में था कि नहीं था? हम जानना चाहते हैं मुरादाबाद के लोग कितने स्मार्ट हैं, ये बताओ पहले तो। हम आपको स्मार्ट तभी मानेंगे, उन्होंने शहर बनाया हो न बनाए हो स्मार्ट, लेकिन स्मार्ट बनकर के उनकी चौकी छीन लेना ही उनका भी चुनाव है ये वाला। कहां स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी में थाना मुझे बताओ मुरादाबाद कहां स्मार्ट सिटी है? बताओ बीजेपी के लोग कहां बन गई स्मार्ट सिटी? कल आए थे प्रधानमंत्री, कम से कम बता देते कि स्मार्ट सिटी में क्या काम किया उन्होंने। और अगर आप भाषण सुनोगे, इन बीजेपी के लोगों के भाषण सुनोगे अगर ध्यान से, तो इनका भाषण शौचालय से शुरू होता है, शौचालय में भाषण खत्म हो जाता है। आप तो गिर चुके, दाएं भी बाएं भी, अब तो ठीक रहोगे साइकिल के नहीं? इसमें टच होता है। और ये कभी कभी टीवी वाले आपका साथ नहीं देते। अभी आदरणीय आदिनाथ साहब से याद कीजिए मंच पर, उन्होंने कहा कि कुछ लोग आरएसएस के कपड़े पहन के रहते हैं, उन्होंने किसी और के बारे में कहा था। हम समाजवादी लोग हैं, कभी हम महिलाओं के ऊपर और बेटियों के ऊपर कभी भी कोई भाषा गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हम समाजवादी लोग। लेकिन पता नहीं इसलिए बच्चे रहना, इससे भी कभी कभी ये भी पलट जाते हैं, और तीसरे चरण के बाद ये भी पलट जाएंगे। अभी थोड़ा बहुत तो पक्ष में आए हैं, कभी कभी तो दिखाते हैं बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी मजबूरी है, इनकी गलती नहीं है, इनसे हमारा आपका झगड़ा नहीं है। ये तो पूरा रिकॉर्ड करते हैं, पूरा लिखते हैं, ये तो हमारे आपके नेता ही हैं, लेकिन क्योंकि इनके ऊपर कुछ ऐसे हैं जो हमारी आपकी गलती कर देते हैं, इसलिए इनसे कोई गलती नहीं है, इनसे कोई झगड़ा नहीं है। ये तो जब से हम बोल रहे हैं तब से रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम समाजवादी लोग टीवी पे कभी कभी आते हैं, जिनसे हमारी आपकी लड़ाई है वो दिन भर टीवी में रहते हैं। बताओ टीवी से हटाओगे कि नहीं हटाओगे? हम और आप कब आते हैं टीवी पर? कभी कभी। अरे आप कमरे में टीवी लगाए, जिस दरवाजे से आओगे एक ही लोग दिखाई देते हैं, इसीलिए न्यूज चैनल भी देखना कुछ लोगों ने बंद कर दिया है। इसलिए साइकिल और डॉक्टर एस जी हसन साहब को जिताना, मदद करना, और हम भरोसा दिलाते हैं आपकी पार्टी के नेताओं को, आपने बहुत
मतदान किया, जिता दिया है इन्हें। आने वाले समय में अभी तो एमपी जिताइए, अगली बार सरकार बनाइए और जो साथी छूट गए हैं उनका भी हम सम्मान देने का काम करेंगे। बहुत